अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम पैदल फूल है और मैं गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज पंजी जमी आज़ाद कश्मीर में बतौर लेक्चरर फिजिक्स अपनी क्लास को अंजाम दे रहा हूँ। आज से एफएससी पार्ट वन के एमसीक्यू लेक्चर का आगाज़ कर रहा हूँ। ये लेक्चर जो हैं वो टॉपिक वाइज होंगे और हर टॉपिक के मतलब ऑल पॉसिबल एमसीक्यू जो हैं वो उनको सॉल्व किया जाएगा। इसके साथ साथ तलबा की ई कैट और एम कैट की तैयारी में भी ये लेक्चर हेल्पफुल होंगे। इनके अलावा वो कैंडिडेट जो लेक्चर फिजिक्स एसएस फिजिक्स और एसएससी साइंस मैथ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एफएससी लेवल के ऊपर एक मजबूत बुनियाद जो है वो फराहम करेंगे। तो हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। नंबर वन है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टडी ऑफ नेचर। नेचर को स्टडी करने के लिए जो क्लासिफिकेशन बनाई गई है उसकी कितनी टाइप्स हैं? 1, 2, 3, 4। तो नेचर को स्टडी करने के लिए जो क्लासिफिकेशन बनाई गई है उसकी 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 फिजिकल साइंस और नंबर 2 बायोलॉजिकल साइंस। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो दुरुस्त होगा। सेकंड है विच इज नॉट बिलोंग टू फिजिकल साइंस। इनमें से साइंस की किस ब्रांच का तल्लुक फिजिकल साइंस के साथ नहीं है? केमिस्ट्री, मैथ, जियोलॉजी या बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो है इसका तल्लुक बायोलॉजिकल साइंस के साथ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ है, जबकि फिजिकल साइंस जो है इसका तल्लुक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ है। तो बायोलॉजी जो होगी वो फिजिकल साइंस में इंक्लूड नहीं है। नंबर 3 है मेन फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंस आर। फंडामेंटल साइंस की जो बुनियादी हदूद हैं वो कितनी है? 1, 2, 3, 4। फंडामेंटल साइंस को 3 बुनियादी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फॉर द वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट सच एज यूनिवर्स, फॉर द वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट सब एटॉमिक लेवल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड द मिडल साइज ऑब्जेक्ट फ्रॉम मॉलिक्यूल टू अर्थ। तो देयर आर 3 मेन फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंस। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का दीगर ब्रांचेस के साथ जो रिलेशन है उनमें ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, जियोफिजिक्स या साउंड। तो फिजिक्स की जो अपनी प्योर ब्रांचेस हैं उनमें ऑप्टिक्स भी शामिल है, मैकेनिक्स भी शामिल है, साउंड भी शामिल है, जबकि जियोफिजिक्स जो है वो फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम फिजिक्स को दीगर साइंस डिसिप्लिन के साथ स्टडी करते हैं। तो नंबर 3 ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा। नंबर 5 है सिलिकॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम। सिलिकॉन जो है वो हमें कहाँ से हासिल होता है? वाटर से, मैटर से, वुड से या सैंड से। तो सिलिकॉन जो कि कंप्यूटर की चिप बनाने का एक अहम एलिमेंट है वो हमें ऑब्टेन होता है फ्रॉम सैंड। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नंबर 6 है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ विच मैटर इज कंपोज ऑफ। फिजिक्स की वो ब्रांच जिनमें हम एटम के अल्टीमेट पार्टिकल को जिससे वो मैटर मिलकर बना हुआ है स्टडी करते हैं वो एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स या प्लाज्मा फिजिक्स। तो एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम एटम में मौजूद न्यूक्लियस और उसके आगे के सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन न्यूट्रॉन उनको स्टडी करते हैं। प्लाज्मा फिजिक्स जो है ये मैटर की फोर स्टेट को कहते हैं, आयनिक स्टेट को कहते हैं, जबकि पार्टिकल फिजिक्स जो है ये अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ विच मैटर इज कंपोज्ड ऑफ। तो नंबर 3 ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नंबर 7 है द बिग बैंग एक्सपेंडिंग द यूनिवर्स नियरली ईयर अगो। जो जो बिग बैंग का फायर हुआ था वो अप्रोक्सीमेटली कितने साल पहले हुआ था? 10 बिलियन, 20 बिलियन, 30 बिलियन या 40 बिलियन। तो बिग बैंग का जो एक्सपेंड हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 20 बिलियन ईयर अगो, तकरीबन 20 अरब साल पहले। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नंबर 8 है द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर और एनर्जी को और उनके दरमियान रिलेशन को
स्टडी करते हैं उसका क्या नाम है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स जो है ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर और एनर्जी और उनके दरमियान जो रिलेशन है उसको हम स्टडी करते हैं। तो नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं द एरिया ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की जो अपनी प्योर ब्रांच है उनमें कौन शामिल है, मेडिकल फिजिक्स, एस्ट्रो फिजिक्स, जियो फिजिक्स या स्पेस फिजिक्स। तो फिजिक्स की अपनी जो ब्रांचेस हैं उनमें शामिल है स्पेस फिजिक्स। तो नंबर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नंबर 10 है मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंसेस। तमाम साइंसेस के लिए जो बेसिक बुनियाद जो है उनमें कौन शामिल है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ। तो फिजिक्स जो है ये फंडामेंटल है फॉर ऑल द साइंसेस। तो नंबर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नंबर 11 है कंप्यूटर के चिप्स आर मेड फ्रॉम। कंप्यूटर की जो चिप्स हैं वो किस मटेरियल की बनाई जाती हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सुपरकंडक्टर या इंसुलेटर। तो कंप्यूटर चिप्स जो हैं वो सिलिकॉन की बनाई जाती हैं और सिलिकॉन जो है ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो नंबर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नंबर 12 है डिस्टेंस टू द नियरेस्ट गैलेक्सी के, जो सबसे करीब तरीन गैलेक्सी है उसका फासला जो है वो क्या होगा, 10^-10 मीटर, 10^10 मीटर, 10^20 मीटर या 10^30 मीटर। तो 10^-10 इट इज द डायमीटर ऑफ द एटम, 10^10 इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, 10^20 इट इज द डायमीटर ऑफ द गैलेक्सी मिल्की वे एंड 10^30 इट इज द डिस्टेंस टू द नियरेस्ट गैलेक्सी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी होगा, 10^30 मीटर। नंबर 13 है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स डील विद वेलोसिटी ऑफ प्रोटीन। फिजिक्स की ब्रांच रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो है वो उन ऑब्जेक्ट को डील करती है जो कि अप्रोच करते हैं विद स्पीड ऑफ वाटर, एयर, लाइट या साउंड। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स उन ऑब्जेक्ट को स्टडी करती है जो मूव करते हैं विद स्पीड ऑफ लाइट। तो नंबर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो इसके साथ ही हमारे पास एफएससी पार्ट 1 के लेक्चर नंबर 1 का इख्तिताम होता है। कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ आते हैं।